Well, I woke up this morning from a reoccurring dream. Hello, people. I am Jabby Kowei, joined by Achara Kirk. What's up? We're looking at going to the rainiest place on Earth, Rare Planet, from YouTube. This is a Slay Point video. Thank you, Slay Point, for allowing us to react to this. Very, very much appreciate it. Y'all, if you haven't already, hit that subscribe button, please. Bell icon, ring-a-ding-ding, all notifications. And vote this up to let YouTube know you're enjoying what you're watching. You, if you're enjoying what you're watching. Yes. Just do us a solid. Put it up, please. Mm-hmm. Thank you. Yes. Okay. What's wrong with you? Hi, guys. Hey, guys. What? You know, every time Abudiah, you know, he just did a little stunt at the beginning of his video. I'm surprised this is monetizing because YouTube will go after you for anything. Was this performed by a stunt person in a professional, you know, safety, you know, environment with padded walls? No, it wasn't. Okay. Demonetized. क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं. YouTube ने व्लॉग स्पॉन्सर किया है पर उन्होंने अभी तक डेस्टिनेशन रिवील नहीं किया. बस इतना पता है कि अर्थ डे आने वाला है और वो हमें ऐसी जगह भेजने वाले हैं जहाँ धरती की सुंदरता भर भर के दिखेगी उनके कैंपेन के थ्रू जिसका नाम है रेयर प्लैनेट. ये भी डाल ही देता हूँ यार, पता नहीं होगा कि नहीं. What is that? हम गुवाहाटी जा रहे हैं पर वहाँ से कार से लेके जाएंगे हमें फाइनल डेस्टिनेशन. ओ चलो अब थैंक गॉड. अब जगह कोई भी हो सुबह तो सुकून ही होगी. Oh, is that clean as butt? भुजिया ले जाना तो रह ही गया. और इंस्टाग्राम पे वॉन्डरलस्ट वाला कूल भी तो बनना है. ओके मम्मी मैं निकलता हूँ. कहाँ निकल रहे हो? फाइनल तो पता नहीं पर गुआ. फाइनल नहीं पता तो परमिशन कैसे दे दूँ मैं? हाँ वहाँ गुवाहाटी बोल के गोवा चले गए तो. अरे यूट्यूब चच्चा थोड़ी ना मेरा जो गोवा भेज देगा अर्थ डे पे. शर्म नहीं आती सुबह सुबह तला हुआ. शर्म नहीं आती, भूख आती है सुबह सुबह. मम्मी के आंखों से आंसू आ गए थे इसलिए नहीं कि मैं जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गया. सुबह 11 बजे से पहले एक बार मैं नहा धो के उनको चलता फिरता दिख गया भाई. 11 नहीं 12 एक बजे. हेलो थोड़ा कर सकते हैं ना कम, थोड़ा मैसेज देना होता है यार. वेक अप अर्ली. 11 o'clock इज अर्ली मैसेज. क्या आदमी है. गौतमी गऊ जा रही है. अरे विंडो सीट मेरे से पहले लेना चाहता है ये इंसान, इसलिए भाग रहा है. क्या फायदा हुआ. It always feels like that. Like you make the effort of trying to get there and then there's a line anyway. अरे भाग तो हमें लेने आए क्या? देखना कोई कार्ड है क्या जिस पर लिखा हो दो चोमूस. अभिषेक और गालिया. गाइज हम लैंड आसाम में हुए थे गुवाहाटी में. wow. और अब हम मेघालय में जाने की एंट्री कर रहे हैं. यार अब तो बता दो हम जा कहाँ रहे हैं यार. हाथ पैर बांध के कहीं फेंक तो नहीं दोगे ना ये. वापस मुंबई ले आए क्या? नहीं इतना पानी और आसपास कोई बेरोजगार कपल्स नहीं, मुंबई तो नहीं हो सकता. गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं. शिलोंग था डेस्टिनेशन गाइज, बहुत मजा आएगा. यहाँ से रेस्ट करना, अभी आगे और जाना है. ठीक है हमें क्या, हम तो मोमो खा रहे हैं. थैली भर के मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं. कह रहे अर्थ डे है, फूस डे नहीं. स्ले पॉइंट इन सेंटर पॉइंट. ये आ गया हमें बाथरूम का उद्घाटन करने, रिबन कटिंग सेरेमनी. शुभारंभ. कौन आ रहा है क्या भाई? और भाई वंस मोर जोर वाला एक लास्ट हथौड़ा घुमा रहे भैया. हमारे लिए नाइट शो दे रहे हैं फ्री में. अब शिलोंग से निकल गए, अब कहाँ जा रहे हैं बता दो. अरे अपना दिमाग लगा यार. दिमाग ही तो नहीं है. सोचा रोड साइड really आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा. हम पहुंच चुके हैं. चक्कर ये फाइनल डेस्टिनेशन चेरापूंजी. चेरापूंजी कहाँ सुना था चेरापूंजी? अरे याद है ज्योग्राफी बुक में पढ़ा था बचपन में, उसके बारे में एक फैक्ट था. वो हर क्विज में पूछते थे वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, चेरापूंजी. वाओ. और दुनिया के वेटेस्ट प्लेस के लिए हम रेनकोट छाता छोड़ के भुजिया पैक करके आए. यार जब मन होगा ना तब याद करेगा. छाता का ज्यादा मन हो रहा है यहाँ पे. हम लिटरली बादल में है गाइस. मेघालय बादलों की ऊंचाइयों को फाइनली हमने छू दिया है. ये लो छू लिए. थोड़ा बादल खा लेते हैं. काफी डाइट फूड है, अच्छा लगा मुझे. गाइस ये है वाटरफॉल व्यू रूम जहाँ से अभी कुछ वाटरफॉल नहीं दिख रहा है. दो वॉश बेसिन है फॉर कपल्स. तो
दोनों आंखों के आंसू धोने के लिए दो बेसिन। इन केस यहाँ पानी बरसात की कमी थी तो यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। ये नहीं लगा कि गलती से रेनकोट रख ले, भुजिया याद रहता है भाई। लीसाडोंग वाटरफॉल, किधर है वाटरफॉल? उसे नीचे नीचे जाते जाना है, कभी ना कभी मिल जाएगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मैं गाइड अंकल से बहुत आगे पहुंच गए, जल्दी आ। उनको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है हमारे ट्रेकिंग स्किल्स पे, उनको पता नहीं हम कितने मुंह बा रखे हैं यार। रास्ते की बाधाओं को पार करते हुए गौतम जी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हुए। मोटिवेशनल के बीच में गैप क्यों दिया? मैन वर्सेस वाइल्ड सीजन फिनाले। मम्मी ये सब का मतलब है 10-15 बार फॉल करो तब जाके आप वाटरफॉल देखने के लायक बनोगे। करो करो अभी बेयर ग्रिल्स वाला नाटक करो, मनाली में बहुत कर रहे थे ना। बस बस ये क्या तरीका होता है, ये क्या तरीका होता है देखने का। That's what you do when you're scared. Yeah, that's how I hike. That is why I only go on very easy hikes, because I get very, very scared. When I was in Hawaii, there was, I've talked about this a little bit before, but there was this mountain I was climbing, right? It was a hike. In the middle of the mountain was this train track. It had these huge slats with big gaps in between, and the drop between the gap was huge. Like, it was a fall. I don't think I could do that. And so I'm going up this, and I could see people who were like, who are used to this thing, who are just going, like they're in a video game, just how fast can I go up, how fast can I go down? I haven't seen the death-defying situation I'm about to enter just yet, right? Yeah. I'm making my way towards the track, but I see these couple of women who are like sliding on their butt as going down the track because they're so scared. That would be me. I'm like, they're doing this from the top of the mountain all the way down the mountain, shimmying on their butt because they're so freaked out, like the way he's doing, but they're on, you know, they're sitting. And I get it. You know? No shame. No shame. Know yourself. अरे सर क्या हो रहा है? अरे I can see what he's doing there is what they were doing on the mountain. ये बेस्ट तरीका। इसे कहते हैं डर। तूने नोटिस किया कैमोफ्लेज हो रहा हूँ भाई? क्या मैं दिख रहा हूँ जंगल में? बहुत अच्छे से दिख रहा है। आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। मम्मी ने सारे भजन इसी मोमेंट के लिए सिखाए थे। पहुँच गई मैं, पहुँच गई, जिंदा पहुँच गई। Wow. ब्यूटी देखने आई थी तब से ब्यूटी की बूटी दिख रही है मुझे। इजी ट्रैक, इजी मैन। आगे के लिए बताइए। ओह माय गॉड, बंद करना एक बार। जल्दी उतर, दो सांडों के लिए नहीं बनी ये सीढ़ी। What if you drop your phone? दिखनी तो ऐसी चाहिए थी। Wow. ऐसे दिख रही है। हमने सोचा तो ऑरेंज ब्लू देखेंगे, पर ब्राउन भी अच्छा ही है। नीचे आना। इतना स्ट्रॉन्ग फॉल से इतना पीसफुल आवाज़ है कि थोड़ी देर के लिए बस यहाँ बैठो, इसकी आवाज़ सुनो और सारे अपने स्ट्रेस वगैरह के थॉट्स ना बंद हो जाएंगे। फाइनली तो चुप हुए तो मुझे सुनाई दिया कि इसकी आवाज़ कैसी है। यार मैं सिर्फ रोस्ट होने आई। सारे अबू धाबी वाले अबला नारी कमेंट्स मैं भूल गया, सारी नेगेटिविटी हट गई यार लाइफ से। मुंबई में इतना पानी कहीं दिख जाए भाई, साइड में कोई ऑटो वाला ऑटो धोते हुए दिख जाता है। ये देखो गाइस, यहाँ भी फुल इंस्टाग्राम बाजी चल रही है। यहाँ पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड पहले से ही ब्लर है। नेचुरल धुआं भाई, ये होता है धुआं। इसे धुआं नहीं मिस्ट कहते हैं, बट अब इसको नहीं पता इसलिए हम तू गाइड नहीं है वो गाइड है, ठीक है? तू नॉलेज मत बांट। अपने मुंह पे भी लगा लूं भाई। अब ये भी सुंदर हो जाएगा। वुमन वर्सेस वाइल्ड की विजेता। सुंदरता से अब मनुष्यत के साथ रहना पड़ेगा। एस्केलेटर लिफ्ट। मैं आज से कभी आपको हल्के में नहीं लूंगा। ऐसे ट्रैक पे ऐसी बेइज्जती होती है जब कोई बुड्ढे से अंकल आपके साइड से भाग के चले जाए और यहाँ रुके हुए हाफते हुए। भाई इतनी मस्त जगह एकदम हिडन है। अच्छा ये छुपा के रखो वरना इतने अच्छे पानी में गुटका चिप्स के पैकेट तैर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए कि बेकार लोग तो जा ही ना पाए। उड़ के कहाँ चले जाएगी, दिखेगा भी नहीं भाई। जाना कहाँ है गाइस? यहाँ होटल ही नहीं दिख रहा। रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया हमारे साथ और अब सीधा स्वर्ग आ गए और हमें रियलाइज नहीं हो रहा है? सच्ची में ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में हैं। कर्म तो मैंने स्वर्ग वाले किए हैं, सो इट्स क्वाइट बिलीवेबल। फिर तो नहीं होंगे, फिर हम मेघालय में ही। ये है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसने लॉकडाउन के बाद इंसानों की तरह दो चार और सिस्टर पैदा कर दिए।
गाइस यहाँ किसी का भी नेटवर्क नहीं आता सिवाय एक स्पॉट के। यहाँ पहले आधा घंटा यहाँ बीतता था, अब आधा दिन बीतेगा। जबरदस्ती मोमो की लाल चटनी खाऊंगा और फिर निकालते बैठूंगा यहाँ। दिन की इतनी बारिश देख के हमने खुद के छाते खरीदे मस्त नेचर थीम वाले, और अगले दिन कड़कती धूप, सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं। देखो अम्ब्रेलास एंड देन द नेक्स्ट डे इट वाज सनी। उल्टी ना हो प्लीज, उल्टी ना हो प्लीज, उल्टी ना हो। गाइस गाइस हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहां पहुंचने के लिए हमें लेने हैं 3,500 steps. One way, वापस आने के लिए same 3,500 steps. On an incline. 3,500. इतने पैसे जेब में नहीं है अभी. 120. 350 भी नहीं है. जाने के लिए तो अच्छा है लेकिन आने के लिए तो बहुत खराब. जब मैं सुना कि आप लोग फ्रूट ब्रिज कर रहे हैं तो मैं भी सोचा जाऊँ कि ना जाऊँ. No, you don't want to hear your guide say that. No. I'd be like, no, that's cool. Can we go back to the hotel then? Just no. I'm not embarking on that mission where the guy who's guiding me through peril to safety is having doubts about the situation. No, thank you, ma'am. I'm leaving. That's called a big bull of fuck that. No, he's having doubts. No bueno. Mm-mm. Why would you do that? No. Why would he do that? Yeah, maybe he's just trolling them, but that's not a vote of confidence. All those rickety ass ladders and bridges and stuff that they were walking on, and then they're going to embark on this thing with 3,500 steps, and he's like, I'm not even sure if this is a good idea. Well, he's like, the way up's okay, it's the way down, and that's the thing. Listen, like, buddy, I appreciate your honesty. Thank you for chosen life. Yeah, that's okay. I'm choosing to live. I'm walking away from this shit. I don't know if I could do this. Confidence gir gaya mera. Wahan jana hai. Wo village hai. What? पक्का कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाती? और ये रास्ता वहाँ कैसे जाता है? अभी नीचे जाएंगे हम, फिर रिवर क्रॉसिंग है, दो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आने वाले लोग दो लाशें भी क्रॉस करेंगे। कभी लगा नहीं था ना नीचे उतरना भी थका सकता है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। फिलिंग इस वीडियो को भागल कर दो। I think that walking downstairs can actually be more taxing than walking upstairs. I don't know why. It depends. But I think walking down requires more precision than you realize. You're moving, you're declining, right? Mm-hmm. And so there's more impact on your joints because you're going down. I think your quads get worked quite often, right? And so with all the things that you do in life. But like that kind of landing of going downstairs repeatedly, that's all of your weight coming down on your ankles over and over again. And your instep and all that. Yeah. That's why I feel like going down the stairs actually should present more of a challenge on your body overall than going up. पहुँचे क्या? नहीं भाई, आधा भी नहीं हुआ है। किसके घर के सामने लेट गए? यहाँ कोई भी सुंदरता फ्री में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है, हर एक व्यू कमाना पड़ता है। हमारी वीडियोस में टोन देख देख के उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। थैंक्स गाइस फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस बाय फैट शेमिंग। ना तेरे जैकेट से निकला है पसीना। हाँ, लाइफ में इतनी मेहनत किसी वीडियो के लिए नहीं की, तो थोड़ा सा व्यूज। ओह शिट, अरे मत कर, डरा मत यार। भगवान प्लीज, अब से इनकॉग्निटो मोड में सिर्फ प्रवचन देखूंगा। इतना हिल रहा है ब्रिज यार। स्टेबल है ये? स्टेबल है। अबे चल 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 यार, कितना भी डर लगे लेकिन बहुत सुंदर है पानी, प्योर ब्लू कलर का। आई मीन दैट इज वेरी नाइस। हां बहुत बहुत सुंदर है गाइस। बेस्ट व्लॉग गाइस। कीड़ा था गाइस। क्या व्यू, क्या वाटर। It's an insect, that was you. So finally, 3 hours के ट्रैक को भाई 2 hours में खत्म करके हम पहुंच चुके हैं 3,000 स्टेप्स के बाद। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग ये जिंदा है लिटरली। वाओ, सुंदर वाटरफॉल और यहाँ ब्रिज। अगर जानना है ना यहाँ कितना सुकून है, ये देखो भाई कितना सुकून। एक रूट ब्रिज आपको बहुत जगह मिल जाएगा बट दो रूट ब्रिज ये है यहाँ की स्पेशलिटी। पेड़ की जड़ों से बना है, बहुत बड़ा सा रबर ट्री है और ये जो रूट ब्रिजेस है उसके सेकेंडरी रूट से बनते हैं, मतलब अबव द ग्राउंड इसके और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रूट निकलते हैं जो रूट बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उसको वो लोग एक दूसरे में ऐसे पूरा इंटरट्वाइन करके एक रूट ब्रिज बनाते हैं जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है भाई। वहाँ सारे ब्रिज ऐसे हिलते हैं। अब इसको हिला के दिखाना। थक दिया
शैम्पू एड में बोलते रहते जड़ से मजबूत, भाई ये होता है असली जड़ से मजबूत। RTB को क्यों तोड़ा? लिविंग रूट ब्रिज है ना, लिविंग है ना ये, तो उस पे पैर कैसे रख सकती है तू, चल कैसे सकती है? बेचारे को हर्ट हुआ होगा ना। सॉरी बोल। नन्हे आशिक यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, कहीं भी दिनेश लव सुप्रिया, राजू हाँ। लव पिंकी, ये सब लिखा ही नहीं है एक जगह पे भी नहीं। इतना मुश्किल ट्रैक बनाओ कोई आशिक नहीं आएंगे। इतना देर नीचे आते आते ही बीच में उनका ब्रेकअप हो जाएगा। आंखों ने इतनी सुंदरता कभी देखी नहीं, जबकि मैं खुद को रोज देखता हूँ। चेरापूंजी की सब बारिश की ही बातें करते हैं, इन यूनिक सुंदर जगहों के बारे में कौन बताएगा? यहाँ लोग हर जगह नंगे लोग, भाई व्लॉग किधर करें? बट अब 3500 स्टेप्स हमें ऊपर चढ़ के जाना है, जिसके लिए गौतमी को अपने बाल खा के आएगी एनर्जी। यस ईट। ये बुढ़िया की लाठी भी आ चुकी है गाइस, नेक्स्ट इसके दांत वांत भी गिरने वाले हैं। बड़ी उम्र में महिलाओं को होती है ये समस्याएं। ये वापस ऊपर चढ़ना है? कितना कितना, अरे इतना ऊपर तो देखा भी नहीं जा रहा, मैं देखे पड़ रही हूँ। ग्रीन घर से हम यहाँ तक पहुँच गए, 70 मिनट से ऊपर चढ़ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 70 मिनट स्टेयर्स चढ़ना, और अभी बस आधा हुआ है। जान नहीं है क्या, मर गया है? अरे एक जिंदा लाश है क्या? ये भी काम नहीं कर रहा अब। बड़ी उम्र में मर्दों को होती है ये समस्या। हैरी पॉटर मैजिक बोर्ड, गलत जगह लग जाएगी कुछ और उड़ जाएगा। चलो आ गई तो डर गए। अरे अब तो सर पे ही बैठ रही हाय पे, मेरे भी पैर कांप रहे, सच्ची बोल रही हूँ। 2.5 hours के बाद फाइनली पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंचे, स्वर्ग पहुंच गए। कभी अपने बिल्डिंग में सीढ़ी ली है? फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक मैक्स। ये तो हमने बुर्ज खलीफा क्लाइम कर लिया होगा ना इतने देर में। फाइनली मेरा शर्ट निकाल के निचोड़ोगे ना, यहाँ एक नया वाटरफॉल बन जाएगा और मैं चक्कर आके फॉल होने वाली हूँ। अभी पैरों को ऐसे ऐसे चलने की आदत हो गई है, वो नींद में भी ऐसे ऐसे ही चलते रहेंगे। आज ब्रेकफास्ट बफे में क्या लेंगे सर? All that bad, huh? भगवान, मैंने कितना बड़ा मकड़ा लाइफ में नहीं देखा, ये क्या कर रहा है मेरे कमरे में? बचाओ, हेल्प। मैं लिटरली रूम बदल रहा हूँ भाई, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। Guess I couldn't do it. I would leave immediately. I mean, I would just chase it out of the room. It's fine. Just leave, spider. That thing wasn't messing around. Like, it saw that it was being filmed, and it's like, oh, fuck this. And it started moving. Yeah, and, so and, just and, film and, it until it leaves the room. And it was moving quick. Y'all heard the spider story in yes. Thailand, right? Yes. Okay. It's pretty much like that. It's more the flutteriness on my face that freaks me out, less so the bat just having a swim with me. What the hell are you talking about? When the bat flies in your face, the little wings just kind of... When I was in Thailand, the wedding was over. I'm in the pool by myself. I'm like, okay, finally, some relaxation time. Finally, I get to chill out. And I'm just like going for like a little, you know, girly swim. And I come out the pool and I feel... I'm like, what the fuck is that? And I'm like ready to cry. I'm like, what was that? And I see a bat flying around. I'm like, why is it fucking with me? And then your sister's like, it's a fruit bat. I'm like, do I look like an apple? Why is this bat messing with me? See, I'm like that, but with the toad that sometimes hangs out in her bathroom outside. I'm like, ugh! Get out. The toad is what scares you? Yeah, I don't like... Yeah. Not the spider with the fucking 12 legs? The toad is what scares you? Yeah, because it's ugly. And the spider is just adorable and cute? Cuter than a toad? No. A toad becomes a princess or a prince. Dinner mein kya khayenge? Chai aur pakode. The art. What happened? The artist. Oh, she broke something by accident is what happened. Kal ke baad aaj utra hi nahi ja raha. Oh my gosh. Yeah, I feel that. सीढ़ियों का फोबिया हो गया गाइस। तो गाइस अभी हमें उंगोट रिवर में जो दिखनी तो ऐसे चाहिए थी, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स इन इंडिया, जो ट्रांसपेरेंट वाटर के लिए फेमस है, बट अभी दिख ऐसे रही है।
That's what California beaches look like. पहले की बारिश ने पूरा ही काट दिया और अब हमें आदत सी हो गई है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे साथ ये सब होता रहता है. वही तो नेचर की ब्यूटी है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल. वाओ, क्लियर वाटर, पत्थर दिख गए अंदर के, पत्थर दिख गए. क्लियर वाटर अभी जरा क्लियर नहीं है भैया. क्लियर हो जा नहीं हो रही है, बस यही है किस्मत. It is still beautiful. हम बिना लाइफ जैकेट के बोट पे बैठे हैं और वहाँ कोई डूबे बजा रहा है. यार डूबे हो गया, वो दूसरा वाला बजेगा. कौन सा? डूबा रहता हूँ यादों में. यार ये बहुत, वाओ गाइस कितना सुंदर. दोनों साइड पहाड़ और बीच में रिवर, तो ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया जैसे हम ड्रॉ करते थे. पनौती हम है तो बेचारे जो भी हमारे डे पे ट्रैवल कर रहे हैं उन सब का कट गया. 100-200 लोगों का तो कर दिया कम से कम नुकसान. नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होने लगेगा, अरे यार स्ले पॉइंट वाले आए हैं, शिट आज तो बेकार जाएगा ट्रिप. अरे वाह वाह वा। ऐसा पानी मिल जाए तो मैं रोज नहाऊं. मतलब तू रोज नहीं नहाता? अरे नहाता हूँ, ये एक दो घंटे में क्लियर हो जाएगा क्या पानी? तो कब होगा? दिसंबर हो गया, आ गया मजा. अब यही रुको दिसंबर तक. चारों तरफ वाटरफॉल्स, बोट राइड और ये रिवर सब एक साथ. I wonder why that is, December to January. ड्राइवर गाइस चला के तो दिखा, थोड़ा तो आगे हिलनी चाहिए. It's probably just like the best season. It's rainy season. ऐसे थोड़ी बोट चलाते हैं. अरे तू गलत डायरेक्शन में डाल. अरे गाइस अभी हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं. ये है इंडिया का लास्ट पॉइंट. यहाँ लिखा है वेलकम टू इंडिया और यहाँ लिखा है वेलकम टू बांग्लादेश. तो हम अभी कहाँ खड़े हैं? बीचों बीच भाई, कहीं के नहीं है. अब मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली. Did you see the signs of welcome to India and welcome to Bangladesh? Quickly. Why? तो हम अभी कहाँ खड़े हैं? बीचों बीच भाई, कहीं के नहीं है. यहाँ लिखा है वेलकम टू India Bangladesh Friendship Gate, okay? Yeah. That's the Indian one. Cute. So you know this is the Indian one. So yeah. Welcome to India, right? India. Aur yahan likha hai welcome. Look at the Bangladesh one is so cold. It's so clinical. It's just, you know, it's just welcome to Bangladesh. Welcome to Bangladesh. It's like y'all can literally see the Indian version of what you've got up. It's colorful, it feels like crafted, like handmade and artsy, and it says friendship on it. It's the friendship gate, you know? Yeah. Friendship. Dosti. How old is the Bangladeshi one? Welcome to Bangladesh, bitches. You wanna come in or what? Please leave. Don't stay for long. So hum abhi kahan khade hain? Beecho beech bhai, kahin ke nahi hain. Ab mera favorite player Virat Kohli. Ab mera favorite player Shakib Al Hasan. Ek aur country cover guys, multinational international vlog. देखो मेरी उंगली बांग्लादेश में है गाइस. वाओ देखना, अलग फीलिंग आ रही है बांग्लादेश में. ओरियो फ्राइड पीस. वाओ ओरियो के साथ मजाक होना अभी तक बंद नहीं हुआ. जगह जगह इतने सुंदर वाटर ओरियो फ्राइड, रुकने का मन करता है. ऐसा लग रहा है तू नहा रही है. शावर आ रहा है मेरे पे. इस बार आरसीबी जीत रही है तो चिल्ला. यस. मैच देखने के लिए नेटवर्क की तलाश में, क्योंकि टॉयलेट वाला भी नो सर्विस हो गया. देना थोड़ा, भूख लग रही है यार. बगैर से पहले हंस रहा था ना. नो भुजिया फॉर तो मैं क्या खाऊं यार. ओह नो. मेरी किस्मत भी नहीं चाहती कि मैं ये खाऊं. मिशन इम्पॉसिबल. स्नैक फॉर थॉट. इतनी मेहनत करने लायक तो नहीं था ये. झूला है यहाँ पे और सामने खाई. यहाँ से झूलते झूलते उड़े ना सीधा बांग्लादेश में गिरोगे. धीरे कर धीरे कर. हमारे पिछवाड़ों के लिए बहुत छोटा है गाइस. ऑल्सो गाइस यही मेघालय में पड़ोस के गांव में थोड़ी ज्यादा बारिश गिर गई थी, तो वो अब वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बन चुका है. चेरापुंजी अब नहीं है. चेरापुंजी में जो वेटेस्ट प्लेस का बोर्ड लगा था वही उखाड़ के उधर डाल दी. हमें फोटो खिंचानी थी भाई उस बोर्ड से. हम बोर्ड ढूंढ रहे, बोलते नहीं अब तो नहीं है ये वेटेस्ट प्लेस. मोहसिन राम हो गया है मेघालय में ही. यहाँ ना नेटवर्क मिलेगा ना वाईफाई. तो यहाँ आओ और बस नेचर और मेघ में खो जाओ. ओ मेघ.
ओह क्या कर रहा है, पूल वाली बॉडी होती तो यहाँ नंगा लेटा होता। सो ये था चेरापुंजी गाइस, थैंक्स टू YouTube ये सब अरेंज करने के लिए। और ताकि हम अपने प्लैनेट को बेटर मेंटेन कर सके, YouTube सपोर्ट कर रहा है बालीपाड़ा फाउंडेशन, जो लिविंग रूट ब्रिजेस जैसे इकोसिस्टम्स को बेटर सस्टेन करने में हेल्प करता है। और आप भी इस इनिशिएटिव में जुड़ सकते हो बाय डोनेटिंग एज लिटिल एज $5, व्हिच इज अराउंड 300-400 रुपए, और इससे आप मदद कर सकते हो एक ट्री प्लांट करने में। Due to like construction of roads, बहुत कटिंग हो रहा है यहाँ पे, फैक्ट्रीज आ रहा है धीरे धीरे, सीमेंट फैक्ट्री या कोल, बहुत सारे ट्रीज को कटने भी पड़ रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितने ट्रीज प्लांट करने में हेल्प करोगे। एंड फ्रॉम मेघालय, लिटरली मेघों के बीच में, वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। नींद भरी आंखें छुपा ली सनग्लास। 6-6 बजे रोज उठना नहीं हो पा रहा ना। मम्मी पापा इतने खुश है ना, उनसे पहले हमारा गुड मॉर्निंग मैसेज जा रहा है होम ग्रुप पे भाई। वो तो कह रहे हैं कि वही रह जाओ, एटलीस्ट तुम लोग डिसिप्लिन्ड हो। मैंने नाश्ते का वीडियो भेजा, मम्मी ये कह रही है, इतना सच भी नहीं बोलना था। जाते जाते सोचा लास्ट टाइम नेचर देख लूं, पर कुछ लोगों के अलग ही प्रायोरिटीज हैं। बाय बाय बाय। वापस जाते हुए गुवाहाटी तक गाड़ी से नहीं जाना, हम शिलोंग से ही फ्लाइट ले रहे हैं। अभी जल्दी स्कोर बता, फ्री में मैच देखने मिल रहा है। बैक टू नॉर्मल। कीड़े को मार रहा था, खुद को नोच दिया। कीड़ा आ रहा था जैसे Wow, he like really went for it with the insect. That's like a you move. The panic! Get it off me! This was an interesting video. I'm honestly a little bit surprised at YouTube organizing this trip for them. And I don't know if they purposefully organized it in such a way that they're like, so April was like Earth Month, right? And it's Earth Day or whatever the... on the last Friday in April, and they're like, okay, so we're gonna send them on this trip and we're gonna send them to this beautiful place, you know, with this like clear water and this cool waterfall and all this wonderful stuff, and they're gonna be able to take some amazing footage showcasing the beauty of Earth. And then it's like, oh yeah, but you're not going at the right time of year to see all of that stuff. I totally buy that YouTube sent them there during that time instead of at the more optimal time. And nothing about that surprised me in the slightest. I don't know why. What, like an intern planned the trip? I feel like we've been part of these things where it's just like this awkward, clunky thing and you just sort of make it work anyway. Where sure. You get sponsored to go on something and you're like... Oh, like the one we went to for Jumanji. Yeah, exactly. That was like, such a chaotic thing. It was raining and there was... thunder and lightning. Achara was literally scared that we were gonna get struck by lightning. We were in a metal car. It would have absorbed the shock. They were like, oh, you could take your own car. I'm like, oh, hell no. I will panic and I will not get very far. I'm just gonna sit in the passenger seat and let this guy drive. I'll take video. It was a bonding moment, but it was an uncomfortable experience of just being totally like soaking wet. It's not what I would have elected to do. I would have gone inside. Like, but we still ended up having a lot of fun, and I'm sure that they ended up having a lot of fun as well, even though they were tired. I'm sure their legs were sore for days just because they... Oh my God, yeah. I mean, they are full-time YouTubers, right? The thing about it is I grew up doing intense activity, and so when I go back to do it again, my body's actually used to that, and there's like muscle memories. I can jump it back into the intense activity, and I won't be sore for too long. But if like you never do rigorous exercises, and suddenly you throw yourself, you're thrust into the situation where you have to walk down and up 3,500 steps. Each way, so that's 7,000 steps total. I can't imagine how long their legs were so sore for. That would have sucked. But the thing about it is, that part is like fine. It's just that the dude who guided them on that, what an asshole. Even I was like, not sure if I want to do it. I almost canceled on you guys. Can you imagine if you got on a flight and the captain was like, yeah, all of you guys are scared right now. I mean, I'm scared too. I'm scared too. I wasn't sure if, you know, we should leave right now, but you know, pimp's got to do what a pimp's got to do, and so we got to go. I mean, I suggest you pray to whichever god you believe in. I'm riding OT right now, baby, so we're going to do this. I mean, I'm scared. Hopefully we land. I prayed like 6 times, so we should be good. I've only done this maneuver in training. I made sure to donate a lot this time, recent Sunday. What if the captain said all this to you? You know, only two of the engines are down, but we'll be okay. We got two left. Yeah. We'll be okay. Be fine. You know? Don't panic.
I'm panicking. I twisted the doorknob 3 times before I entered the cabin. He's got OCDs. No. It's just like marking them all off. I tied my left shoe before my right, stepped on the floor 8 times before we took off. We'll be okay. Like, whatever. It's just like, I don't want to hear all that. I wanna buy into the illusion that everything is like perfect and sound. And not almost we're about to crash, yeah. You know? It's always fun watching them do a vlog and just finding humor in the most random of situations. You guys, thanks so much for hanging out. Hopefully you enjoyed that. Do subscribe if you haven't already. Please hit that bell icon, all notifications, and vote this up. I'm Jabby Kuwait. This is Achara Kirk. Peace out.